नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। चलिए आपको दिखाते हैं बिजनेस जगत की 10 बड़ी खबरें बिजनेस टॉप 10 में। मई एक्सपायरी के दिन बाजार में जोरदार शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। शॉर्ट कवरिंग के चलते सेंसेक्स और बैंक निफ्टी अपने नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद होने में कामयाब रहे। वहीं निफ्टी भी 9500 के स्तर के पार निकल गया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी जोरदार खरीदारी रही। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 448 अंक चढ़कर 30,750 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 149 अंक की तेजी के साथ 9,510 के स्तर पर बंद हुआ। कैपिटल गुड्स शेयरों में आज सबसे ज्यादा खरीदारी रही और बीएसई कैपिटल गुड्स इंडेक्स करीब करीब 3.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ। बैंक, आईटी, रियल्टी, ऑटो, मेटल शेयरों में भी जोरदार खरीदारी रही। फार्मा शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही। फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। इन ट्रेनों के किराए 300 से 400 रुपए कम हो सकते हैं। रेल मंत्रालय इन ट्रेनों से कंपलसरी केटरिंग को खत्म करने पर विचार कर रहा है। मंत्रालय राजधानी और शताब्दी में केटरिंग को ऑप्शनल बनाने पर विचार कर रहा है, यानी कि टिकट के साथ खान पान की सुविधा अनिवार्य नहीं होगी। टिकट खरीदते वक्त आपसे पूछा जाएगा कि आप खाने का विकल्प लेना चाहते हैं या नहीं। अगर आपने नहीं विकल्प चुना तो टिकट के रेट 300 से 400 रुपए कम हो जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक स्कीम की शुरुआत उन ट्रेनों से होगी जिनकी केटरिंग की जिम्मेदारी आईआरसीटीसी के पास है। हाइब्रिड कारों पर जीएसटी की दर को लेकर इंडस्ट्री के समर्थन में नीति आयोग आ गया है। जी बिजनेस को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक भारी भरकम जीएसटी की दरों को लेकर आयोग ने वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों पर जीएसटी काउंसिल ने 43% टैक्स लगाया है। नीति आयोग ने चिट्ठी में इसे सरकार की क्लीन फ्यूल पॉलिसी के खिलाफ बताया। आयोग ने कहा कि एसयूवी और हाइब्रिड सेगमेंट पर बराबर टैक्स लगाना गलत है। काउंसिल ने 28% जीएसटी और 15% सेस लगाने का भी फैसला किया है। जीएसटी में सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर को 12% टैक्स के दायरे में रखा है, लेकिन स्टैंप ड्यूटी राज्य अलग से वसूलेंगे। रियल एस्टेट के संगठन क्रेडाई ने सरकार से स्टैंप ड्यूटी हटाने की मांग की है। क्रेडाई का कहना है कि मल्टीपल टैक्सेशन को खत्म करने के लिए जीएसटी लाया गया तो फिर अलग से स्टैंप ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। क्रेडाई का कहना है कि बाकी सेक्टर्स के लिए जीएसटी इकलौता टैक्स होगा जिसे उन्हें चुकाना होगा, लेकिन रियल एस्टेट के लिए ऐसा नहीं है। रियल एस्टेट को 12% जीएसटी के अलावा राज्यों की स्टैंप ड्यूटी भी चुकानी होगी। स्टैंप ड्यूटी की वजह से अचल संपत्ति पर अतिरिक्त 5 से 8% का बोझ पड़ता है। क्रेडाई का कहना है कि राज्य सरकारें सर्किल रेट या फिर प्रॉपर्टी की कीमतों पर मनमाने ढंग से स्टैंप ड्यूटी वसूलती है जिससे कंज्यूमर पर बोझ बढ़ता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड यानी कि एफआईपीबी को खत्म करने से जुड़ा नोटिफिकेशन अगले हफ्ते आ सकता है। कल ही कैबिनेट ने एफआईपीबी खत्म करने पर मुहर लगाई थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में इसका ऐलान किया था। वित्त मंत्री के मुताबिक 90 से 95% एफडीआई को डायरेक्ट रूट के जरिए मंजूरी मिल रही है और ऐसे में अब एफआईपीबी की कोई जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन में रूल्स और रेगुलेशन भी होंगे जिसके तहत एफडीआई प्रस्ताव को रिजेक्ट करने का अधिकार डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन यानी कि डीआईपीपी के पास होगा। डीआईपीपी में लंबित प्रस्ताव को संबंधित मंत्रालयों को वापस भेज दिया जाएगा। अब एफआईपीबी की कोई बैठक नहीं होगी। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को वक्त पर पूरा करने के लिए सरकार ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई है। समीक्षा बैठक में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अलावा स्मार्ट सिटी में अब तक हुए काम की समीक्षा की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक सबको घर देने का लक्ष्य सरकार का है और इसे लेकर राज्यों ने अभी तक कौन से कदम उठाए हैं इसकी समीक्षा की जा रही है। रणनीति के तहत अलग अलग राज्य के साथ हाई लेवल समीक्षा बैठक की जा रही है और अभी तक कुछ राज्यों में 3 लाख करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। इसमें मेट्रो प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता पर पूरा करना शामिल है। कल छत्तीसगढ़ में चल रहे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की समीक्षा बैठक होगी। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की बड़ी योजना की तैयारी है। जी बिजनेस एडिटर मिहिर भट्ट से एक्सक्लूसिव बातचीत में रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा कि 96,000 किलोमीटर का जो नेशनल हाईवे था मोदी सरकार ने उसे 2 लाख किलोमीटर तक बढ़ाया है। हमने 96,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे 2 लाख किलोमीटर किया है और ये देश की आवश्यकता भी थी। देश में 52 लाख किलोमीटर की रोड लेंथ थे, उसमें से केवल 2% नेशनल हाईवे था।
रेमंड में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर एक बार फिर सवाल उठे हैं। ब्रीच कैंडी की प्रॉपर्टी बेचने को लेकर एडवाइजरी फर्म लायस ने सवाल उठाए हैं। प्रॉपर्टी बेचने से कंपनी और शेयरधारकों को 650 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई गई है। दूसरी ओर कंपनी ने सफाई दी है कि प्रॉपर्टी बेचने के लिए 2007 में करार हुआ था, जिसकी जानकारी AGM नोटिस में दी गई थी। आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों पर लॉ कमीशन ने सिफारिश दी है। लॉ कमीशन का कहना है कि आर्थिक अपराध के मामलों की सुनवाई में नजरिया बदलने की जरूरत है। आर्थिक अपराधों में जमानत की शर्तें कड़ी की जानी चाहिए। लॉ कमीशन ने कहा कि अपराध कितना बड़ा है और उसमें कितनी रकम शामिल है, ये देखा जाना चाहिए। साथ ही नकली नोट, वित्तीय घोटाले, वित्तीय धोखाधड़ी खतरनाक मामले हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों से भी देश की सुरक्षा को खतरा है। लॉ कमीशन ने कहा कि टैक्स चोरी, कस्टम चोरी, बैंक फ्रॉड में जमानत में सख्ती होनी चाहिए। और केरल में प्री मॉनसून शावर शुरू हो गए हैं। स्काईमेट के मुताबिक जून में देश भर में मॉनसून आने की उम्मीद है। स्काईमेट ने इस साल देश भर में बेहतर बारिश की उम्मीद जताई है। स्काईमेट का कहना है कि अभी तक मॉनसून की रफ्तार सामान्य है और सामान्य मॉनसून से इस साल खरीफ की बुआई में तेजी आएगी। वहीं फिलहाल अल नीनो का खतरा ज्यादा नहीं दिख रहा है।